हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माजा मेनू में। आज हम बनाएंगे शकरकंद की खीर, उसे मराठी में कहते हैं रताळ्याची खीर। तो आज घटस्थापना भी हुई है और आज से पूरे 9 दिन तक महिलाओं को रहता है उपवास। तो रोज क्या बनाए क्या खाए ये अलग टेंशन, तो अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से पूरे 9 दिन तक मैं हर रोज़ एक उपवास में बनने वाली जो रेसिपी है उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर, तो आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पे मैंने ली है 3 शकरकंद मीडियम साइज के, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। उसमें मिट्टी लगी रहती है तो आप उसको अच्छे से पहले धोइए। अभी हम इसका छिलका निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। सेम इसी तरह हम बाकी 2 शकरकंद के भी छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये रेडी है। अब मैं इसको क्या करूँगी, ग्रेटर से कद्दूकस कर लूँगी ताकि जो हमारी खीर बने वो जल्दी से बने। तो यहाँ पे 3 शकरकंद को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं रखूँगी गैस पर कढ़ाई। अभी कढ़ाई में हम डालेंगे पहले 2 चम्मच शक्कर। अभी मैंने 2 चम्मच शक्कर पहले क्यों डाली है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम स्लो रखी है, हमें इसको कंटिन्यू हिलाना है ताकि वो नीचे लगे नहीं। हमें इसको पूरा मेल्ट करना है, इसका कलर ब्राउन होने तक। तो ये नीचे थोड़ा सा चिपक रहा है, मैं क्या करूँगी इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पे जो हम शक्कर को मेल्ट कर रहे हैं ना उसको कहते हैं शक्कर को कैरमलाइज करना। तो यहाँ पे देखिए पूरी शक्कर मेल्ट हो चुकी है, कलर भी ब्राउन आया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास दूध। तो यहाँ पे मैं गाय का दूध यूज कर रही हूँ। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। एक बार इसमें उबाल आ जाए ना तो हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ शकरकंद। तो अभी ये इसको उबाल आ रहा है। तो यहाँ पे दूध को उबाल आ चुका है, हम गैस की फ्लेम कर देंगे स्लो और फिर इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ शकरकंद। तो अभी मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसी समय हम इसमें डालेंगे घी और शक्कर। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। इससे क्या होगा, हमारी जो खीर बनके रेडी होगी ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगी अभी शक्कर। तो वैसे तो शकरकंद मीठा ही होता है, आप अपने अकॉर्डिंग शक्कर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डालूंगी 4 चम्मच शक्कर। मैंने पहले भी 2 चम्मच शक्कर डाली हुई है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, धीमी गैस पर रखेंगे और इसका उबाल आने तक का वेट करेंगे। एक बार इसमें उबाल आ जाए ना तो हम इस पे रख देंगे ढक्कन और इसको 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे।
अब इसमें धीरे धीरे उबाल आ चुका है। धीरे धीरे देखिए बबल्स भी निकल आ रहे हैं बीच बीच में से। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे रख देंगे ढक्कन 4-5 मिनट के लिए। धीमी आंच पर ही हम रखेंगे गैस की फ्लेम। तो हमें ढक्कन रखने के बाद उसको बीच बीच में चेक भी करना है कहीं हमारी खीर नीचे से जल ना जाए। यहाँ पर मैंने पूरे 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर रखा था। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर चेक करूँगी शकरकंद कितना पका है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारी खीर का कलर कितना उभर के आया है। वो इसीलिए कि हमने पहले शक्कर को कैरमलाइज किया था, उसी की वजह से हमारी खीर का कलर इतना अच्छा आया है। तो इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है बट हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। मैं इसको और ज़्यादा देर गैस पर रखूँगी तो वो नीचे से जल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 1 कप दूध। इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मेरे पास बादाम और कुछ पिस्ता थे तो मैंने इसको बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसे मिक्स करेंगे अगेन वापस से और फिर इसको ढककर रख देंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए हमारी खीर बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ डालेंगे। आप इसका पाउडर भी बनाकर डाल सकते हो। अभी मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी तो मेरे पास पाउडर रेडी नहीं था। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा जायफल और फिर मेरे पास है कुछ 2-3 इलायची के दाने हैं तो वो मैं इसमें डालूंगी। बट आप पाउडर करके डालना इलायची का भी और सौंठ का भी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। हमारी खीर का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा उससे। तो चलिए इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारी खीर रेडी है। तो आप ज़रूर बनाइए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और हम इसे निकालेंगे सर्विंग बाउल में। ऊपर से मैंने कुछ बादाम और पिस्ता के बारीक पीसेस डाले हैं।